नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपना यूट्यूब चैनल यूपी किसान हमारा जान। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि मतलब आप अगस्त में लौकी की खेती कीजिए, बरसात में लौकी की खेती कीजिए। जैसे आप देख सकते हैं, हमने लगाया है पर प्लांट आपको दिख पा रहा होगा सब भी। मतलब हमने इधर इसलिए लगाया, मतलब इससे हम झालर पर लगाएंगे, कितने दूर पर लगाना है, कौन कौन से वैरायटी का चुनाव करना है और कौन कौन से इसमें बीमारी आती है, कौन कौन से हमें वैरायटी का चुनाव करना है, इन सभी की डिटेल जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक बन के देखिएगा, तभी आप एक संपूर्ण जानकारी पा सकेंगे अगस्त में लौकी की खेती करने की एक संपूर्ण जानकारी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट हम खेत को अच्छे तरीके से तैयार कर लें और साथ ही तैयार करने के पश्चात खेत को हम पहले मतलब थाला बनाएंगे जहाँ पे हमें रुपाई करनी है, वहाँ पर उसकी मिट्टी को भुरभुरी करेंगे और बीज को अंकुरण करके और उसको रुपाई कर देंगे। यह प्लांट हमारे 10 से 15 दिन की हुई है, जैसे आप देख सकते हैं हमारे खेत में है। मतलब आप देख सकते हैं सभी प्लांट को, मतलब फ्रेंड्स इस तरीके से आप लौकी को जर्मिनेट कर सकते हैं। और साथ ही इसमें एक ख़ास बीमारी आती है जो पत्ते की कुड़न की, जो कि लीफ कर्ल वायरस के नाम से हम जानते हैं। वो प्लांट आप वैरायटी के ऊपर डिपेंड करती है, अगर लोकल वैरायटी का आप चुनाव करते हैं तो फिर भी आपको उसका देखने को मौका मिलेगा, नहीं तो कुछ उसमें कीट लगते हैं। जैसे इस छोटे छोटे जैसे आप पत्ते देख पा रहे हैं, इसी पत्ते पर एक छोटे छोटे हरे मक्खी के जैसे कीट रहते हैं सब, वही मतलब कि आपको वो किकुरन वाली बीमारी की समस्या को ज़्यादा देखने को मिलती है। इस तरीके से अगर शायद मतलब पौधे से पौधे की दूरी की बात करें, जो इस पौधे से लेकर उस पौधे की दूरी है, तो यह है 6 फीट की दूरी। मतलब लंबाई चौड़ाई 6 फीट की आप चौड़ाई में लंबाई में बो सकते हैं, 6 फीट लंबाई या 6 फीट चौड़ाई, जो पौधे से पौधे की दूरी एक थल्ले में वो 3 से 4 सेमी की दूरी है। एक थल्ले में आप 5 प्लांट लगाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं हमारे सभी मतलब थल्ले में 5 प्लांट लगाया गया है, जो प्लांट जर्मिनेट होके और काफ़ी अच्छा ग्रोथ पे चल रहा है फ्रेंड्स। और साथ ही अगर वैरायटी की हम बात करते हैं, तो हमने 2 वैरायटी रखा है, जो कि आपको लौकी खेती करने के लिए एक संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जो फर्स्ट यूनिकम की आप तलवार वैरायटी को ले सकते हैं, और मैचो कंपनी की मैकोमाई 8 और मैचो कंपनी की मैकोमाई 9, इन 3 वैरायटी का आप चुनाव कीजिए और लौकी खेती आराम से कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे जो पत्ते में लगने वाली बीमारी जो किकुरा आती है उसकी, तो किस लिए आती है, तो उसकी उपाय क्या है उसको हम बताएंगे। उसमें आप डाइफुरन 20% में जो आती है उसका आप स्प्रे कीजिए, नहीं तो साथ ही उसके साथ आप दबंग का छिड़काव कर सकते हैं। ये दोनों दवा का स्प्रे करेंगे तो आपको आराम से छुट्टी मिलेगा, नहीं तो साई कंपनी की A1+ का आप छिड़काव कीजिए, तो वो किकुरा बीमारी आपको जड़ से ख़त्म होने को दिखेगा। चलिए एक ख़ास बीमारी और दिखाते हैं, जो कि लौकी के पत्ते में सबसे खास देखने को मिलता है। ये जो आप पत्ते पे दिख पा रहे हैं, यह लीफ कर्ल वायरस नहीं है, इसको लीफ माइनर कहा जाता है, जो कीट इसके पत्ते को खा जाते हैं और इस पत्ते में सभी रस चूस लेते हैं, इसमें पौधे विकास नहीं करता है, ग्रोथ नहीं करता है। इससे क्या होता है कि पौधा हमारा बेकार हो जाता है, तो इसके लिए आप प्रोफेनॉल, सल्फरमिथ्रिन और इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे करेंगे, ताकि हमारा प्लांट पे कोई दिक्कत नहीं आए और हमारी जो प्लांट है वह स्वस्थ रहे और अच्छा से ग्रोथ करे। चलिए फ्रेंड्स, दिखाते हैं पहले पौधा जर्मिनेट कैसे होता है। देख सकते हैं इधर पौधा जर्मिनेट हो चुका है। कुछ दिनों बाद जो छोटे पत्ते दिख पा रहे हैं, यह प्लांट पत्ता बड़ा हो जाएगा, जैसे देख पा रहे होंगे इस तरीके से प्लांट
प्लांट आपका विकास और लंबा हो जाएगा। और आप इस तरीके से जो हम प्लांट की बुआई किए हैं, जो पौधा आपको दिख पा रहा होगा हमारे लाइन में, यहाँ से यहाँ तक, इसको मतलब हम झालर पे लगाएंगे। झालर मतलब आपको सेटअप या तार विधि सेटअप लगाइए, या तार बांस या बांस विधि सेटअप लगाइए, मतलब इसे झालर पे लगाना है, तभी आपको इस बरसात अगस्त माह में आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, और नए नए किसानों के पास हमारी वीडियो शेयर कीजिए ताकि आने वाले सभी किसान अच्छे से खेती कर सकें। जय हिंद, जय भारत।